नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। मैं राम निरंजन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का चाइना से। और हमारे चाइना के इस चैनल में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताता हूं चाइना के बारे में। बहुत सारे मित्रों ने कमेंट किया कि भाई साहब आप एक वीडियो तो बना ही दीजिए चाइना के एजुकेशन सिस्टम पे। तो दोस्तों ये वीडियो ना चाइना के एजुकेशन सिस्टम पे ही है कि मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे चाइना वाले एजुकेशन करते हैं और एजुकेशन कहां से कहां तक की वो एजुकेशन होगी भाई साहब क्लास ए से लेकर के क्लास 12 तक की। तो ये क्लास ए और क्लास 12 तक की जो आपको दिखानी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो उससे पहले चैनल को कर दो सब्सक्राइब और आपका जो भी इच्छा हो उसका कमेंट आप हमें ज़रूर मार देना। देखिए क्या होता है, क्लास ए से लेकर के क्लास 12 तक का जो सिस्टम है वो यहाँ आने वाला है। पहले तो होता है यहाँ पे हमारे जो LKG VKG होती है, वैसे यहाँ ये पर्सनल स्कूल चलती है जिसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और क्या होता है कि वहाँ पे बच्चे को 3 साल के लिए भेजते हैं। क्लास ए इसमें 3 होती है, पहली जो होती है उसको ये बोल देते हैं जो स्मॉल लेवल की, जो प्राइमरी लेवल की होती है, उसके बाद में मिडल लेवल की होती है और उसके बाद में हाई लेवल की चीज़ आती है। तो प्राइमरी, मिडल और हाई ये 3 साल के लिए बच्चे को अपनी स्कूल में जाना होता है, जिसे हम LKG VKG बोलते हैं, वैसे 3 साल की ये होती है। आगे क्या होता है तीन साल में बच्चे को क्लास ABC इस तरीके से ना इनको क्लियर करनी होती है और बहुत सारी चीज़ें जैसे हमारे जैसा होता है वैसे यहाँ पे होता है, थोड़ा सा उसको डिजिटल कर देते हैं। कुछ लोग टेबलेट वेबलेट भी यूज करते हैं बच्चों को, और गाने वाने चलते हैं म्यूजिक के साथ, उन बच्चों को डांस करना सिखाते हैं, फुटबॉल वुटबॉल को पकड़ना सिखाते हैं, कुछ योगिक प्रैक्टिस सिखाते हैं। तो यहाँ योगा मैंडेटरी है, मॉर्निंग प्रैक्टिस में यहाँ योगा करवाते हैं बच्चों से सुबह सुबह, और बच्चों को योगा भी करवाते हैं, खेल भी खिलवाते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती है। तो 3 साल आपको देने पड़ेंगे भाई साहब LKG VKG चाइना में। तो LKG VKG जैसे बोलते हैं इसको, किडन गार्डन बोलते हैं यहाँ पे, तो 3 साल बिताने पड़ेंगे। उसके बाद जब 6 साल के हो जाओगे तो क्लास एक से लेकर के आपकी स्टार्ट होती है प्राइमरी तक की। प्राइमरी तक की 5 जो क्लासें हैं वो आपकी स्टार्ट होती है अगले सालों के लिए। और उस समय क्या होता है, आपके 3 मेजर सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं। चाइना में 3 मेजर सब्जेक्ट है, पहला है चाइनीज, दूसरा है मैथ और तीसरा है जो इंग्लिश। आप इन चीज़ों को अपने लैंग्वेज में जोड़ोगे और आगे बढ़ोगे। अब क्या होता है, उसके बाद में आगे आता है कि जो म्यूजिक है, स्पोर्ट्स है और कुछ जो मॉरल वैल्यूज वाले सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हमारे नैतिक शिक्षा जिसे बोलते हैं, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती है। तो उसमें आपको राष्ट्र प्रेम सिखाते हैं या बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, और बहुत सारे किस तरीके से आपको किसी से बिहेव करना है वो सब चीज़ें इसमें आ जाती है। आगे क्या है, और एक आता है कंप्यूटर स्किल। आपको प्राइमरी स्कूल से ही कंप्यूटर स्किल की जो शिक्षा है वो सिखा देते हैं। कंप्यूटर चलाना मैंडेटरी है हर बच्चे को, कंप्यूटर में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, और किसी को इंटरनेट से रिलेटेड कुछ भी ईमेल करना है, सब चीज़ें जो कंप्यूटर से रिलेटेड है वो प्राइमरी स्कूल में ही ख़त्म। पहली क्लास से कंप्यूटर चलाना सिखाते हैं बच्चे को, और जब तक 12th क्लास है तब तक कंप्यूटर चलाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है हर जगह। तो इस तरीके से ये आ जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, आफ्टर स्कूल कुछ और कोर्स चलते हैं। आफ्टर स्कूल का मतलब यहाँ रहता है कि आपकी स्कूल ख़त्म हो गई है, या फिर स्कूल ख़त्म नहीं हुई है तो आपको जैसे यूँ समझिए कि वीकेंड में स्कूल बुलाएंगे और वीकेंड में क्या सिखाएंगे उसके ऊपर। तो वीकेंड में सिखाएंगे दोस्तों ये आपको, जैसे कई कई का क्या होता है ना, म्यूजिक में शौक़ होता है, कईयों का डांस में शौक़ होता है। तो हमारे तो क्या करते हैं, किसी का बेचारे का डांस में शौक़ है तो उसको ओ डांसर ओ भाई सिंगर ऐसे करके उसकी बेइज्जती करते रहते हैं। यहाँ ऐसे बेइज्जती नहीं करते, उसकी और कदर करते हैं। उसको संडे सैटरडे को क्लास देती है स्कूल, और उसकी स्कूल के ख़त्म होने के बाद में भी क्लास का विधान होता है। तो ये प्राइमरी स्कूल से ही होता है। तो ये जो आफ्टर जो होता है ना, इसको स्किल डेवलपमेंट क्लास बोलते हैं, यहाँ पे वो चलती रहती है। अब क्या होता है, उसके बाद में 3 मिडिल स्कूल लेवल आते हैं 7, 8 और 9 क्लास के। तो 7, 8 और 9 क्लास की है ना प्राइमरी स्कूल को इन्होंने 1 से लेकर 6 तक का दिया हुआ है। तो 6 साल यहाँ आपको बिताने पड़ेंगे, 3 साल आपको LKG VKG में, फिर आता है 3 साल आपके 7, 8 और 9वीं क्लास के लिए। तो 7वीं, 8वीं, 9वीं क्लास में क्या होता है, ये मिडिल स्कूल होती है, इसमें कुछ और सब्जेक्ट आपके जुड़ जाते हैं। सब्जेक्ट क्या जुड़ते हैं, वो सब जो चीज़ें थी उसके साथ में यहाँ जुड़ती है आपकी चाइना मैथ इंग्लिश तो है ही, वो तो आपको पढ़नी पड़ेगी चाहे आप कहीं चले जाओ। आगे आता है बायोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, स्पोर्ट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब, और कंप्यूटर एप्लीकेशन तो आपको पढ़नी है, हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ती है।
अब एक आर्ट का सब्जेक्ट भी चलता है। आर्ट वाले सब्जेक्ट में क्या सिखाते हैं? आर्ट वाले सब्जेक्ट में दोस्तों ये सिखाते हैं, जैसे किसी की कोई भी तरीके की स्किल होती है, किसी की डांसिंग, पेंटिंग, वहाँ जो स्कूल के बाद में जो क्लास हो रही थी वो यहाँ आपके सब्जेक्ट में जुड़ जाती है। तो किसी की पेंटिंग में शौक है, किसी का डांसिंग वांसिंग है, स्किल स्किल से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है वो उसकी आर्ट में आ जाती है। ओके, और जो कोई भी उसकी जो स्टेबिलिटी देने वाली होती है उसको लाइफ में, उन चीज़ों को यहाँ फोकस करते हैं और सब्जेक्ट के रूप में उसको पढ़ाते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके 7, 8, 9 के स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती है। और ऐसा नहीं है कि हर जगह अलग माहौल है, क्या है क्या नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दो तरीके की स्कूल होती है। गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत ही अच्छी होती है, प्राइवेट स्कूल भी बहुत अच्छी होती है। प्राइवेट स्कूल है वो थोड़ी ज़्यादा डिजिटल होती है, गवर्नमेंट स्कूल है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा नहीं कि आ भाई काम चलाओ नहीं है, बहुत ही बेहतरीन स्कूल है। यहाँ बहुत सारे लोग सरकारी स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में तो बहुत कम लोग जाते हैं। लेकिन अब तो ट्रेड ऐसा बदल गया है कि न केवल हमारे देश में बल्कि हर देशों में यहाँ भी प्राइवेट स्कूल में बच्चों को ज़्यादा भेजना चाहते हैं, क्योंकि वो स्किल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और गवर्नमेंट जो स्कूलें हैं वो उनकी एजुकेशन पे ध्यान देती है कि इनको इन चीज़ों पे एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान हो। स्किल पे थोड़ा सा कम होता है लेकिन ऐसे यूँ समझो 19 और 20 बस इतना ही फ़र्क है। ऐसा नहीं कि कहीं पर 10 और कहाँ पर 20 है, ऐसा नहीं, 19-20 का ही फ़र्क है, बाकी बहुत बढ़िया चीज़ है, दोनों बराबर फ़र्क पड़ता है। अब देखिए, जो 7, 8, 9 का स्टैंडर्ड कंप्लीट किया तो 9वीं क्लास में उसकी एग्ज़ाम लगती है, उसको बोलते हैं हाई स्कूल एग्ज़ाम। हाई स्कूल एग्ज़ाम में अपने जैसे बोर्ड की एग्ज़ाम होती है ना, वैसे ही यहाँ बोर्ड की एग्ज़ाम लगती है। तो उस बोर्ड की एग्ज़ाम में क्या होता है, क्या क्या देखो उसके विधान, वो मैं बता देता हूँ। इसमें पहले तो गवर्नमेंट ना स्पेशली उनके लिए व्यवस्था कर देती है। जैसे मान लो आप रह रहे हो दिल्ली में, तो दिल्ली गवर्नमेंट के एक दिन जैसे व्यवस्था होनी है कि आज हाई स्कूल एग्ज़ाम है, तो उस दिन ट्रैफिक की व्यवस्था कर देती है दिल्ली गवर्नमेंट, और आपके आसपास में जितने भी ट्रैफिक होते हैं उसमें स्कूल जो बस होती है उसको पहले जाने की अनुमति होती है, बाकी बाद में जाएंगे। तो स्कूल बस के लिए ट्रैफिक की अलग से व्यवस्था होती है, और हर बंदे को एक वो मिल जाता है मैसेज आपके मोबाइल फ़ोन पे कि आज ना ट्रैफिक में थोड़ा सा चेंजेस होगा, तो टाइम से अपने घर से निकले ऑफिस के लिए। आज बच्चों के लिए स्कूल की जो व्यवस्था है वो सही से की जाएगी, तो आप बच्चों को पहले जाने दे, बच्चों के लिए गाड़ी रोके, लाइन को क्रॉस करने दे बच्चों को, उनकी एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये सब चीज़ें होती है, उसके बाद में आपके मैं दो टेस्ट होते हैं यहाँ पे, एक होता है कॉलेज के लिए और कॉलेज की जो एजुकेशन है उसमें जाने के लिए आपको एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, एक होता है हाई स्कूल वाला। तो इन दोनों में कॉमन जो चीज़ें हैं वो मैं एक साथ ही बता रहा हूँ कि आपको बार बार अलग अलग वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए इसमें जो कुछ फिजिकल एग्जाम भी होते हैं रिटर्न एग्जाम के साथ में, रिटर्न एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं, रिक्त स्थान वाले भी आते हैं ना फिलअप करने वाले वो भी आते हैं, क्रॉस में जो जोड़ना होता है वो भी आते हैं। इसके साथ में क्या होता है ना, कई चीज़ें जैसे पैराग्राफ लिखना है चाइनीज में, जैसे हमारे हिंदी के जो सब्जेक्ट है उसमें आता है कि ऐसे लिखो वैसा ऐसे भी लिखना होता है, और कुछ इंग्लिश का आता है इंग्लिश में इंग्लिश की तरीके से, मैथमेटिक में वैसे आता है। तो हर तरीके का अलग सब्जेक्ट का अलग विधान होता है। फिजिकल टेस्ट भी होता है इसमें, जैसे गर्ल्स को मिलता है इसमें 800 मीटर दौड़ने को, बॉयज़ को मिलता है 1000 मीटर दौड़ने को, और कुछ जो अलग और चीज़ें होती है जिसमें दोनों सेम है, हाई स्कूल एग्ज़ाम और उसमें भी कॉलेज एग्जाम, मैं दोनों एक साथ ही बता रहा हूँ आपको। पुशअप भी होती है, लड़कों को मिलता है 30 पुशअप निकालने को, और लड़कियों को सिटअप निकालनी होती है वो होती है 30, और ऐसे ही जो लड़कियाँ होती है उनको रस्सी कूदनी होती है 70 के करीबन, और जो 100 मीटर की दौड़ होती है ना 100 मीटर या 50 मीटर की क्विक दौड़ वो होती है यहाँ पे क्विकली, उसको भी करना होता है 50 मीटर लड़कियों के लिए 100 मीटर लड़कों के लिए। तो ये कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन भी उसमें लेते हैं। तो कुल मिला के हर चीज़ को मेजर किया जाता है और उसका एग्जामिनेशन होने के बाद में उसका रिजल्ट आता है। तो देखो उसके आगे क्या आता है, आगे जो 9th स्टैंडर्ड है उसकी एक अलग एग्ज़ाम है, 10th अलग है और 12th अलग है, ऐसे तरीके से ना 9th, 10th, 12th जो है उन सबको अलग से ये करते हैं। तो जो 7, 8, 9 का मैंने पढ़ा दिया आपको, अब 10वीं क्लास की क्या चीज़ें आती है उसको देखो। 10वीं क्लास में क्या होते हैं, आपको सब बच्चों को एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है, सेम सब्जेक्ट जो आपने वहाँ पे पढ़े थे ना उसमें प्राइमरी स्कूल में, उसके बाद में आए मिडिल स्कूल, अब आए आप हाई स्कूल। हाई स्कूल में भी आपको वही पढ़ना है जो मिडिल स्कूल में आपने पढ़ा है, लेकिन उन चीज़ों की पूरी चीज़ें बदल जाती है, ऐसा नहीं कि दोनों एक जैसे रहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें बदल जाती है। और उसके बाद में उनका डीप नॉलेज होता है, ऐसा है कि जैसे मान लो कि आपको पहले तो दिखा दिया मुगल काल में भारत, फिर आपको पूरे भारत का एक सम अच्छे से भारत की हिस्ट्री में पढ़ना पड़ता है, वैसे यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है, दो तरीके की चीज़ें आती है, एक लिबरल आर्ट आता है, एक आती है साइंस। तो ये लिबरल आर्ट और साइंस ये दोनों 11वीं और 12वीं के सब्जेक्ट बनते हैं यहाँ पे।
तो 11वीं और 12वीं में आपको वही चीज़ लेनी पड़ती है, इंग्लिश केमिस्ट्री और इंग्लिश चाइनीज और मैथ तो आपको लेनी लेनी है। साथ में आप तीन मोर और सब्जेक्ट ले सकते हो, जो आपकी 10वीं क्लास है उस 10वीं क्लास के लिए आपके टोटल सब्जेक्ट होते हैं 9। मैंने बताया जैसे 11वीं और 12वीं में जो सब्जेक्ट है उनकी संख्या है आपकी टोटल 6, और जो 9वीं जो 10वीं का जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी संख्या होती है 9। तो 9 पढ़ने पड़ते हैं सब्जेक्ट आपको क्लास 10 में और 6 सब्जेक्ट क्लास 11 और 12 में। अब 11 और 12 में कौन से तीन सब्जेक्ट होते हैं? तीन सब्जेक्ट आते हैं। अगर आपको जैसे हमारे क्या करता है, कोई बच्चा कॉमर्स लेता है, कोई साइंस लेता है, कोई मैथ लेता है, तो वैसा ही यहाँ पे होता है। यहाँ दो सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, एक सब्जेक्ट होता है लिबरल आर्ट और एक सब्जेक्ट होता है साइंस। और यहाँ के 95% लोग ना साइंस लेते हैं, जो 5% लोग हैं वो लेते हैं यहाँ पे अपना लिबरल आर्ट। लिबरल आर्ट में तीन सब्जेक्ट आते हैं, एक आता है पॉलिटिकल साइंस, एक आता है आपका हिस्ट्री, एक आता है ज्योग्राफी। तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं आपके लिबरल आर्ट में। और साइंस में आ जाता है बायोलॉजिकल, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब क्या होता है, ये कंप्लीट करने के बाद में आपको एक कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, अगर वो क्लियर कर लिया तो बल्ले बल्ले। अब एक चीज़, कई चीज़ आ जाती है यहाँ पे कि जो बच्चे होते हैं पढ़ने में बड़े होशियार नहीं होते, उनका क्या करें? तो कुछ डफरू लोग भी होते हैं मेरी तरह, पीछे वाले बैक बेंचर्स, उनका क्या करें? तो उनके लिए यहाँ व्यवस्था पहले तो ऐसी है कि जो शिक्षा का अधिकार वाली बात आती है, तो यहाँ क्लास 9th का मतलब मिडिल स्कूल तक का हर बच्चे को पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, ये अनिवार्य चीज़ है। आपको 9वीं क्लास तक हर बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद में क्या है, आप 10वीं 11वीं ये कराओ न कराओ किसी को कोई मतलब नहीं, मगर यहाँ तक तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा हर बच्चे को, ये शिक्षा का अधिकार है यहाँ का। दूसरा क्या है, अगर आपका बच्चा होशियार नहीं है पढ़ने में, तो यहाँ पॉलिटेक्निकल स्कूल होती है। पॉलिटेक्निकल स्कूल मतलब जैसे हमारे हाई स्कूल का जो मैंने बताया ना 10वीं 11वीं 12वीं, वैसे ही यहाँ पॉलिटिकल स्किल जो स्कूल होती है वो उन बच्चे का पॉलिटिकल डेवलपमेंट करते हैं कि किस तरीके का बच्चे में क्या स्किल है। मान लो कोई खेलने में बहुत ही ज़बरदस्त है लेकिन उसकी पढ़ाई बिल्कुल ख़राब है, और कोई म्यूजिक में इतना ज़बरदस्त है और उसकी पढ़ाई बहुत ख़राब है, तो उसको म्यूजिक स्कूल को, जो पॉलिटेक्निकल स्कूल है हमारे वहाँ पे केवल पॉलिटेक्निकल में कुछ स्ट्रीम्स आती है, यहाँ पे हर एक स्ट्रीम को उसमें डाला जाता है, मतलब जितने स्ट्रीम हम सोच सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर आती है, और उसकी एग्जाम वहाँ पे होती है। हर तरीके से उसको वहाँ पे सिखाते हैं उन चीज़ों को, और वैसे ही उनकी पॉलिटेक्निकल कॉलेज होती है, यूनिवर्सिटी होती है, तो ये लोग उसमें भी जा सकते हैं उसके बाद में, तो ये सब चीज़ें चलती है। आगे क्या होता है, जो कॉलेज एंट्रेंस का जो टेस्ट है वो अगर आपने क्लियर किया, हर माँ बाप का सपना होता है कि हमारा बच्चा कॉलेज एंट्रेंस तो पास कर ही जाए, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी सी व्यवस्था होती है। टेस्ट कैसा होता है वो मैंने आपको पहले बताया, हायर स्कूल वाला वैसा ही टेस्ट यहाँ पे होता है, तो बहुत सारी कॉमन चीज़ें होती है। तो इस तरीके से चाइना ने अपने एजुकेशन को बहुत डेवलप कर लिया है। अब अंदर पढ़ाई कैसे होती है उसके ऊपर मैंने एक पिछले वीडियो जो था ना उसमें एक वीडियो दिखाया था जिसमें LED पे ही सारा सब कुछ हो रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ लगभग चीज़ें हैं वो कंप्यूटर से चलती है, बच्चों को जो छोटे बच्चे होते हैं तभी से इनको टैबलेट मिल जाते हैं, और टैबलेट में बुक्स होती है, उनमें उनकी स्टडी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं टेक्नोलॉजी पे जो क्लास के अंदर का सिस्टम है कैसी है वो सब चीज़ें आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, अगर आप डिमांड करोगे तो। अगर आप डिमांड नहीं करोगे तो मैं उसको नहीं बनाऊँगा। अभी तो मैंने आपको एक बाहरी ढांचा बताया कि कितनी क्लासें होती है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है, कैसे स्ट्रक्चर होता है। अगला, अगर आप डिमांड करोगे तो मैं उस वीडियो पे बना दूंगा कि कैसे इनकी क्लास होती है, कैसे टीचर पढ़ाता है, पढ़ाने का तरीका क्या है, क्या हमारी तरह यहाँ डंडे भी मारते हैं या डंडे नहीं मारते, अगर बच्चा होमवर्क नहीं करता तो क्या मुर्गा बनाते हैं नहीं बनाते, ये वो सब चीज़ें अगर आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा। और अगर आप पूछोगे तो मैं देखो उसकी बात करूंगा किसी से, और स्कूल में जाके भी बात करके बताऊंगा, अगर ऐसा नहीं पूछोगे तो फिर मैं क्यों मेहनत करूं। तो ये सब चीज़ है, और क्लास कैसी होती है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा अगर आपकी डिमांड आएगी तो, कि क्लास ऐसी अंदर से होती है। और बहुत सारी चीज़ें हैं एजुकेशन में, मैं देख लेता हूँ एक बार, मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया भाई? वैसे तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं, एक चीज़ छूट गई वो थी कि जो कॉलेज होती है वो यहाँ 4 साल की होती है, जो ग्रेजुएशन होती है, और यहाँ ग्रेजुएशन प्राइवेट बिल्कुल नहीं होती, यहाँ एजुकेशन पे बहुत ध्यान देते हैं यहाँ की सरकार,
और जो हमारे क्या करते हैं ना, 1 वीक सीरीज पढ़ करके पास हो जाते हैं और बोलते हैं हमारे पास बीए की डिग्री है लेकिन सरकार नौकरी नहीं दे रही। तो मैं यहाँ वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सारा सब कुछ जो भी है वो रेगुलर है। आपको डेली स्कूल जाना पड़ेगा और बहुत सारे स्कूलों के तो डॉर्मेटरीज होती है, आपको वहीं रहना पड़ेगा। घर पे कईयों का आना जाना होता है, आप जा सकते हो आ सकते हो, लेकिन बहुत सारी स्कूल्स होती है वो अंदर ही वहाँ चलती है और उनकी क्लासें रात को भी चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपकी स्कूल, जैसे हमारी स्कूल होती थी सुबह 8 से लेके 4 बंद, 4 बजे बाद में कुछ नहीं। यहाँ की स्कूलें जो है वो रात को 10 बजे तक भी चलती है। तो इस तरीके से आफ्टर स्कूल जो क्लासें होती है वो चलती रहती है, रुकती नहीं क्लासें। तो ये सब चीज़ें हैं चाइना की एजुकेशन है। उसमें एक सबसे गजब बात आपको बता देता हूँ भाई भाइयों, कि जो यहाँ के लोग हैं उनको प्राइमरी स्कूल से लेकर 12th तक की एजुकेशन में इतना अच्छे से राष्ट्रवाद सिखा दिया जाता है कि अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करते। इनके पास में ऐसा होता है कि इनको हर चीज़ को शुरू से ही समझा दिया जाता है। जैसे ब्रेन वॉश बोलते हैं ना, जैसे आतंकवाद का ब्रेन वॉश करते हैं तो वो अपने आप को ही बम से उड़ा देते हैं, वैसे यहाँ पर राष्ट्र प्रेम को इस तरीके से उनको सिखा दिया जाता है कि वो अपने देश से गद्दारी नहीं करते। राष्ट्र प्रेम यहाँ पहली चीज़ आती है, वो इनको बहुत ही बेहतर तरीके से राष्ट्र का, जहाँ पे इनको लगता है ना कि यहाँ पे इनका इंटरेस्ट है तो उस जगह पे ये कभी भी अपना कुछ नहीं बोलेंगे। और इनको हर चीज़ को ऐसे अच्छे से सिखा दिया जाता है। और क्या क्या कहूँ कि उनके लिए जो अपने देश में बहुत सारे जो देश के भले की बातें उनमें भी कमेंट करते रहते हैं, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता। अगर ऐसा होता है तो गवर्नमेंट उन पर तुरंत एक्शन लेती है। और बोलने की आज़ादी यहाँ भी है लेकिन वैसे नहीं जैसा कि हम हर समय समझते हैं कि कुछ भी मन में आया बोल दिया, कुछ भी मन में आया लिख दिया। यहाँ पे पहले तो लोग सभ्य हैं, उनका सभ्यता ऐसी है कि यूँ समझिए कि किसी को फालतू में कुछ बोलना नहीं है, फालतू में किसी से कुछ सुनना नहीं है। तो किसी को किसी से कोई फालतू का इंटरेक्शन नहीं होता। जब आपसे कोई काम है तब आपसे बात करेंगे, बिना मतलब के हाँ भाई आपके घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इसकी कोई नॉलेज नहीं रखनी है इनको। अपने अपने व्यवहार को स्पष्ट और साफ रखना है। तो ये जो देश प्रेम की बात है वो इनको एजुकेशन में डाली गई है। इनके जो मॉरल वैल्यू वाली जो बात बताई मैंने प्राइमरी स्कूल की, उसी में इस चीज़ को शामिल किया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये पसंद भी आया होगा, और भी आप जो आप डिमांड करेंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। और इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। आपका जो कमेंट आएगा, मैंने बहुत सारे 200 वीडियो लगा दिए हैं लगभग चाइना के बारे में, आप उनको भी जाके देखिए, खेतीबाड़ी कैसी होती है, यहाँ पशुपालन कैसे करते हैं, शहर कैसा है, बस का पेमेंट कैसे होते हैं, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिखा रखी है, तो आप वो भी देख लीजिए। एक यूथ के साथ मैं घूमने गया था, मैं चाइना की कुछ मेरी दोस्त थी, लड़कियां थी, उनके साथ में मैं गया था यहाँ का फ्लावर गार्डन देखने, उसको भी आप देख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इंतज़ार कर रही है इस चैनल पे, उनको आप ज़रूर देखिए। मैंने आपको एजुकेशन के बारे में वीडियो बना के दिखा दिया है, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।